अमरौली कटारा के समोर घाट पर यमुना नदी में बाइक सवार युवकों ने 16 वर्षीय लड़की को फेंक दिया। आपको बता दें कि 16 वर्षीय लड़की को यमुना नदी में फेंक दिया। करीब रात्रि 9 बजे पीपा पुल से 200 मीटर की दूरी तक लड़की बहती चली गई और जोर जोर से चिल्लाती रही। बचाओ बचाओ की आवाज़ पीपा के पुल के पास रह रहे लोगों के कान में पड़ी तो उन्होंने अपनी बाइक उठाकर यमुना नदी पार देखा कि एक 16 वर्षीय लड़की यमुना में डूब रही है। तभी यमुना में चार लोग कूद गए। युवकों ने यमुना नदी में टॉर्च की रोशनी के सहारे कूद कर लड़की की जान बचा ली और बमरौली कटारा पुलिस को सौंप दिया। क्या नाम है तुम्हारा? या प्रसाद जी। कहाँ के रहने वाले हो? मेहलवास भाई। अच्छा, जो रात्रि में एक लड़की की घटना कोई हुई है, वो क्या घटना हुई है? वो तो अलीगढ़ से लाए थे, दो भूपा और नेताजी और झुंड बोलन थी, हमने पकड़ी थी। वो रात में जा रही थी, वो कह रही है भैया है भैया पकड़ो पकड़ो, तो हमने बैटरी लेके गए थे तो धार में थे, हमने पकड़ी। यानी वो लड़की चिल्ला रही थी, चिल्ला रही हो भैया पकड़ो, चिल्ला रही यहाँ तक आवाज आ रही। आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? अरे हम तो पुल की रखवारी करके यहाँ खाना बना रहे थे और वहाँ वो नीचे गईयों वाले गए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ कोई चिल्ला रहा है, आ रही है आवाज मार रही है, तो हम गए मोटरसाइकिल के नहीं तो के लोग थे आप? चार लोग है। आप कौन कौन लोग कूदे थे यमुना में? यमुना में राकेश और राकेश और बच्चू बच्चू और ज्ञा प्रसाद और राकेश, चार लोगों ने जाकर उस लड़की की जान बचाई। जान बचाई। सर आपने क्या किया? थाना बमरौली कटारा क्षेत्र में एक किशोरी को उसके पिता तथा फूफा द्वारा नदी में गिराने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके संदर्भ में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। किशोरी को गोताखोरों द्वारा सकुशल निकाल लिया गया है तथा पुलिस द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया गया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।